पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग विशाखा अशोक भदाड़े के निर्देशों में के क्रम में आज जनपद में नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। इसी के तहत बीती रात 12-13 दिसंबर को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रुद्रप्रयाग एवं अधीनस्थ पुलिस बल के द्वारा चेकिंग के दौरान एक वाहन से 96 पेटी अवैध शराब की खेप बरामद की गई। पुलिस द्वारा वाहन चालक को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध कोतवाली रुद्रप्रयाग पर आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वहीं अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेजा गया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। हम लगातार काम कर रहे हैं इसी प्रयास में। जनपद रुद्रप्रयाग में भी नशेखोरी के अगेंस्ट और जो अवैध शराब है उसके अगेंस्ट हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसी प्रयास के अंतर्गत कल रात जो है 12 और 13 तारीख की दिसंबर की रात को जनपद रुद्रप्रयाग में कोतवाली रुद्रप्रयाग ने हमारे जो जवाड़ी चौकी है वहाँ पे चेकिंग के दौरान जो है एक छोटा हाथी जो है उसको चेक किया, जिसमें हमें अवैध तरीके से जो है शराब जो है वो मिली है। लगभग 96 पेटी जो है अंग्रेजी शराब जो है इसमें हमें मिली है और इसकी जो मार्केट वैल्यू है आज की डेट में 7,75,000 के आसपास है। इसमें हमने एक जो चालक है वाहन का मस्तान सिंह उसको अरेस्ट भी किया है और कोतवाली रुद्रप्रयाग में जो है इसमें 60/72 में जो है हमने मुकदमा भी दर्ज करा।